नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है केकेडी न्यूज में। इस वक्त की खबरों पर नजर डालते हैं। खबर बरेली के फतेहगंज पूर्वी से है, जहां गठे मियां का 23वां सालाना उर्स महोत्सव का समापन बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें हजारों जायरीनों ने संदल जुलूस निकाला। इस दौरान जायरीनों के लिए जगह जगह जलपान की व्यवस्था भी की गई। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां शासन की सुविधाओं से वंचित रहकर लोग आज भी बधाले में जी रहे हैं। आपको बता दें, राजनगर तहसील के गुड़पारा गांव के बच्चे आज भी जान जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। हर साल रास्ता बरसात के समय पानी में डूब जाता है, इसलिए बांस से बने पुल को पार कर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। ग्रामीण लोग 15 साल से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेताओं की लापरवाही के कारण अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। ये हम लोगों को स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग अगर ये रास्ता सीधा हो तो 3-4 किलोमीटर पड़ता है, और अगर ये बंद भर जाता है पुल नरवा, तो हम लोग बहुत दूर से आते घूम घाम के 12 किलोमीटर पड़ जाता है हम लोगों को। और सर कपड़े अपड़े उतार के भी आते हैं, भीग भी जाते हैं, फिर भीग जाते हैं। और कभी कभी तो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं हम लोग। हाँ, बारिश का जब बारिश ज्यादा होती है तो स्कूल भी नहीं जा पाते। खबर आगरा के लोहा मंडी क्षेत्र से है, जहां भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें, कोटेदार रमजान के द्वारा एक यूनिट पर 5 किलो की जगह 4 किलो राशन वितरित किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के लोग जब इसका विरोध करते हैं तो विरोध करने वाले व्यक्ति का राशन कार्ड निरस्त करने की धमकी देता है ये कोटेदार। वहीं जब इस मामले की जानकारी DSO संजीव कुमार को लगी तो उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राशन डीलर से आपने बात की तो उन्होंने क्या बोला? अभी आपकी यूनिट कितनी है? 5 यूनिट है। राशन 20 किलो मिला है? 25 किलो मिलना चाहिए, फिर 20 किलो कौन दिया है? और आपने पहले भी 20 किलो देते थे? कौन है आपके राशन डीलर? हमारे राम बेटी वाले ये नहीं है। रमजानो जी, कितना राशन दे रहे हैं अभी आप? भैया 2 किलो वो गेहूँ दे रहा हूँ और 2 किलो चावल। ये ऊपर से आदेश है? जी नहीं भैया। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? भैया सब दुकानदारी कर रहे हैं। नहीं, सबसे क्या मतलब, अगर 5 किलो राशन का प्रावधान है, 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ, तो आप 2-2 किलो क्यों दे रहे हैं? 1 किलो क्यों नहीं? भैया सब दुकानदार डीलर कर रहे हैं। सबसे आपको क्या मतलब है? आप क्या कर रहे हैं? अभी आपने बताया कि कोई रमजानों नाम की है जिसके द्वारा कम बांटा जा रहा है, और इस तरह की बात की जा रही है। मैंने आपके सामने मोबाइल से यारों को फोन कर दिया है, और यारों को मैंने निरीक्षित किया कि जाओ जाके देखो क्या स्थिति है, उसके खिलाफ जांच करो। सर और भी जो दुकानदार है उनकी भी शिकायत आ रही है, सर उनको क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, कहीं भी यदि शिकायत है तो मेरा यारों जाएगा, देखेगा, आपके सामने बटवाएगा। मेरी तरफ से यह निर्देश है, आदेश। रुक करते हैं देवरिया की खबर की ओर, जहां बच्चों से भारी प्राइवेट स्कूल वैन अनियंत्रित होकर जा एक गड्ढे में गिरी। आपको बता दें, स्कूल वैन में क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठे थे। वहीं स्थानीय लोग की मदद से बच्चों को निकाला गया, और राहत की बात यह रही कि किसी बच्चे को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई। ये पूरा मामला देवरिया के फुहंदू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर महाराजगंज के पनियारा विधानसभा क्षेत्र से है, जहां भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मनरेगा पार्क का लोकार्पण कर वृक्षारोपण किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि भारत की पहचान गांव से है, गांव समृद्ध होगा तभी राष्ट्र सशक्त होगा। अगली खबर है उन्नाव से, जहां नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई, और नशाखोरी को लेकर एक निजी संस्था के युवाओं ने प्रशासन से सहयोग की अपील की, साथ ही लोगों को नशे से दूर रहने और नशा न करने के लिए जागरूक किया। सर सबसे पहले तो मैं आपको अपने अभियान की जानकारी देना चाहूंगा। हम और मेरे युवा साथी अंश सिंह चौहान और सभी दिग्विजय भैया लोग मिलकर आज DM साहब को ज्ञापन देना है नशा मुक्ति अभियान को लेकर। सबसे पहले जो हमारी मांग है वो ये है कि हम DM साहब से चाहते हैं कि जितने भी मादक पदार्थों की बिक्री स्कूलों के 100 मीटर त्रिज्या में हो रही है उन सभी पर रोक लगाई जाए, और उसके बाद जितने भी चरस गांजा आदि की दुकानें हैं उन पर पुलिस टीम छापेमारी कर उन्हें बंद कराए। स्टेशन आदि पर हम आए दिन देखा करते हैं कि पर्समारी की घटनाएं होती हैं, चोरी घटनाएं होती हैं, ये सब नशे के कारण होती हैं,
पास में ठेके होने के कारण स्टेशन के नशेबाजी करके लोग इन सब घटनाओं को अंजाम देते हैं, हम इन पर रोक लगाना चाहते हैं। यही हमारी डीएम साहब से दरख्वास्त है, इसीलिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं। और इस रैली का उद्घाटन हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया, उनका भी मैं आभारी हूँ, जिला प्रशासन ने हमारी बहुत अच्छी सहयोग की। खबर सोनभद्र से, जहां जिला अधिकारी के पहल पर म्यूरपुर कस्बा स्थित पंचायत भवन में ग्राम समाधान दिवस का आयोजन किया गया। ये समाधान दिवस ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें खंड विकास अधिकारी एडीओ पंचायत द्वारा ग्रामीणों की समस्या सुनी गई। समाधान दिवस में कुल 24 मामले आए, जिसमें 20 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया और बचे 4 मामलों को संबंधित विभाग के पास भेज दिया गया। माननीय जिला अधिकारी महोदय का ये सोच है कि जनता जो जिले पर तहसील पर दौड़ लगाती है, चक्कर लगाती है, उसको परेशानी होती है, उसके समस्याओं का निस्तारण करने के लिए प्रत्येक सोमवार को ये ग्राम पंचायतों में इसका निस्तारण करने के लिए राजस्व, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत राज, जो ग्राम स्तरीय विभाग हैं, जो ग्रामीण अंचल जिन लोगों को सामान्य कार्य के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिले में जाना पड़ता है, उसका निराकरण ग्राम पंचायत सचिवालय पर ही हो जाए, इसलिए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने ये कार्यक्रम चलाया है और हम पूरा आशा रखते हैं कि कार्यक्रम सफल होगा। आज म्योरपुर में, आंगनबाड़ी में, किरविल में तमाम शिकायतें हैं जो ग्राम पंचायत स्तर की थी, उसका निस्तारण नहीं कर दिया गया। कुछ शिकायतें जो उच्च अधिकारियों के लिए सुना है, उसके लिए कहा गया है कि उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा और जनता सरकार जनता के द्वारा लोगों को दौड़ना पड़े, इस उद्देश्य से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये पहल अनूठा है, मात्र सोनभद्र जिला में जिलाधिकारी महोदय द्वारा चलाया जा रहा है। खबर सीतापुर से, जहां सर्विलांस व थाना खैराबाद पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को बदमाश के पास से 5 किलोग्राम अफीम और एक 12 टायर ट्रक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली। आपको बता दें, बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हिरासत में लिए गए बदमाश से पूछताछ के दौरान 2 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने की पुलिस ने बात कही है। जो आईजी रेंज महोदय हैं, उनके द्वारा भी एक टीम, उनकी सर्विलांस टीम को भी निर्देश दिए गए थे, जनपद लेवल की भी टीमें एक्टिव थी, दोनों टीमों को इसी के क्रम में एक सफलता इसमें मिली और एक अभियुक्त इसमें कुलविंदर सिंह, ये भूलता रहने वाला लखीमपुर खीरी का है, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये एक 12 टायर ट्रक के साथ जा रहा था और उसमें कुछ अन्य सामान लगा था, उसी के साथ में ये लगभग 5 किलो अफीम के साथ में पकड़ा गया है। इससे जब पूछताछ की गई है तो इससे ये पता चला है कि ये रेगुलरली गुवाहाटी से लेकर के दिल्ली तक जगह जगह पर लोगों का सामान लेके जाता है और उसी के क्रम में इसकी कुछ गिरोह से संपर्क हुआ है और उसका गिरोह का वो पार्ट बन गया और उसी के तहत वो इस अफीम को एक जगह बिहार से एक व्यक्ति से लेकर के पश्चिम के एक जिले में एक दूसरे अपराधी को पहुँचा रहा था। ये स्वयं भी इस गिरोह का पार्ट है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो 2 लोग जो आगे का और पीछे का लिंक है, जहाँ से इसने इसको लाया है और जहाँ तक ये पहुँचा रहा था, दोनों को हमने विवेचना में सम्मिलित किया है, उन लोगों को भी अरेस्ट करके आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर मथुरा से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने श्री द्वारिकाधीश मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं के संबंध में पैदल गश्त कर श्रद्धालुओं और जनपद वासियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही अव्यवस्था और असुविधा को ध्यान में रखते हुए लोगों ने भी अपने सुझाव अधिकारियों से साझा किए। देखिए, आज श्री द्वारकाधीश मंदिर में हम लोगों के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्थाएं रहती हैं, जो अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं, उसके संबंध में चेक किया गया। यहाँ के प्रबंधन कमेटी के साथ पुलिस सारे चीज़ों को चेक किया गया और क्योंकि श्री द्वारकाधीश मंदिर एक ऐसी जगह पर है जहाँ गलियाँ सक्रिय हैं, भीड़ काफ़ी रहती है और एंट्री और एग्जिट की जो हमारे पॉइंट्स हैं वो भी सक्रिय हैं, तो उस प्रकार से व्यवस्था बनाई जा रही है कि श्रद्धालु यहाँ आए भी सिस्टम बन गए रहे, एक जगह से एंट्री करें, दूसरी जगह से एग्जिट करें, बार बार उन्हें रिपीट वहाँ आना पड़े, उनके जो रहते हैं उसकी समस्याएं ना हो उनको। उसके अलावा क्योंकि ये क्षेत्र छोटा है, संकरा है, तो यहाँ पे ई रिक्शा और डेरी की समस्या रहती है, तो उनके लिए भी हमने डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं। जब बैरियर रहेंगे, बैरियर के साथ वहाँ से उनको डाइवर्ट किया जाएगा। यदि कोई वृद्ध, विकलांग या अन्य ऐसे श्रद्धालु हैं जिनको हमें आने देना है, तो उनको हम स्पेशली अलाउ करेंगे, बट अदरवाइज़
हम लोग कंट्रोल करेंगे बैरियर पॉइंट्स पे, ताकि जो मंदिर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पब्लिक पैदल चलने के लिए रहे। और होता भी यही है कि श्रद्धालु भीड़ में काफ़ी संख्या हो जाती है, उस समय अगर ई रिक्शा या डेरी चलती है या आपकी हाथ वाली रिक्शा चलती है तो उससे समस्या ये हो जाती है कि वो दोनों चीज़ें मिक्स होने से जहाँ भी भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ जाती है। तो प्रयास यही रहेगा, कैमरे की जो व्यवस्था है उसमें प्रबंधन समिति से बात हुई है, आप लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि अभी अगले कुछ दिनों में हम लोगों के साथ मिलकर हम लोग कैमरों को अपग्रेड कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है जहाँ पर पुलिस व्यक्ति जो है पुलिसकर्मी वो 24 घंटे ड्यूटी पर रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए KKD न्यूज। फील द पावर ऑफ इंजन। मैकोलोबिकन रेडी टू